विकास दुबे की तलाश में दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों को गठित किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कई टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल कई जगह छापेमारी चल रही है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, विकास दुबे की तलाश में अब दिल्ली पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद में 2 से 3 दिन तक छिपा हुआ था विकास दुबे, ये जानकारी मिल पा रही है। प्रताप, जो कि विकास दुबे का गुर्गा ही था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने टोटल न्यूज पर आपको दिखाई थी प्रताप की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो प्रबल संभावना है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इनपुट ये मिल रहा है कि विकास दुबे दिल्ली में की तरफ हो सकता है, दिल्ली में छुपा हो सकता है। तो अब दिल्ली पुलिस की भी कई टीमों को गठित किया गया है। सिविल ड्रेस में छापेमारी हो रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। विकास दुबे की तलाश में दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिसे पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। कई राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के राइट हैंड को आज एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया गया है। इसके अलावा विकास दुबे के 2 साथी पुलिस की गिरफ्त में भी हैं। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। दिवांशु, दिल्ली में जगह जगह छापेमारी हो रही है विकास दुबे की तलाश में। देखिए बिल्कुल रंजना, विकास दुबे की तलाश में न केवल यूपी पुलिस बल्कि राजस्थान और दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों को गठित किया गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस कितनी सतर्क है और कितनी तैयार है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के एक्स ACP भूषण साहब बातचीत करने के लिए हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं। सर, टोटल न्यूज़ पर स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विकास दुबे की तलाश में दिल्ली पुलिस कितनी फिलहाल जो है तैयार है और कहीं ना कहीं किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरा एक ऐसा बड़ा कांड है जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए और 7 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। मैं तो उनको इंजर्ड नहीं मानता, शहीद मानता हूं। वो 15 की संख्या मान के चलो, उसकी तरफ से तो उसने मार दिए थे, तो ये मेरी तरफ से तो 15 आदमियों की शहीदी है। इससे पहले 1981 में छबीराम नाम का एक डकैत था जिसने पुलिस के ऊपर अलीगंज थाना एटा के अंदर अटैक किया था। उसमें एक SHO और 8 पुलिस वाले मारे गए थे। उसके बाद ये दूसरा ऐसा काम है जब लोकल पुलिस पर हमला हुआ है। इससे पहले नक्सलाइट्स हमले हुए हैं, वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उन इलाकों में हुए हैं, परंतु लोकल पुलिस के ऊपर ये दूसरा बड़ा अटैक है। तो ये अब विकास दुबे के ऊपर आते हैं। विकास दुबे का जो नेक्सस निकल के आ रहा है, जो इसका राजनेताओं के साथ मिली भगत थी, पुलिस वालों के साथ इसकी बहुत बड़ी पैठ थी, तो जो इसने जो सरंजाम दिया है ये पूरी प्लानिंग के साथ था कि कैसे JCB लगा के पुलिस का रास्ता रोका जाए और जैसे ही पुलिस वाले अपनी गाड़ियों से जिप्सियों से उतरे तो आवाम को भून दिया जाए। उसी तरह से बिजली वालों को मैनेज करा गया कि जिस टाइम ये आए तो उस टाइम गांव की बिजली काट दी जाए। तो सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ है और ये बहुत बड़ी साजिश है जो आपको और हमें क्या पुलिस की मिलीभगत लगती है आपको इसमें? पुलिस की बिना मिलीभगत के इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता। पुलिस में इस तरह के गद्दार लोग बैठे हैं, उनको पहचान की जाने की जरूरत है। इस मामले में तो पकड़े गए, सस्पेंड तक हो गए, उनकी कॉल डिटेल से ये क्लियर हुआ है कि वो उनके संपर्क में थे और तुरंत रेड से पहले उनको सूचना दे दी गई थी, तभी इतनी भारी मात्रा में उन्होंने अमुनिशन तैयार करके रखा, छतों पर अपनी पोजीशन ली। अब आप देखिए, पुलिस भी असले के साथ थी। यदि उनके पास 50 असले थे, 40 असले थे, तो पुलिस भी 20 असले के साथ थी। पुलिस को इतना मौका ही नहीं लगा कि वो अपना फायर खोल सकें, उससे पहले वो अपना काम तमाम कर चुके थे। तो बिना पुलिस के ये सरंजाम के हो ही नहीं सकता। और जहां तक राजनेताओं का संबंध है, मैं 35 साल पुलिस में रहा हूं, राजनेताओं का इतना दबाव नहीं होता जितना दबाव पुलिस का अपने अंदर से होता है। अपने जो साथी हैं, एक प्रतिद्वंदिता होती है कि मैं अच्छी पोस्ट पर क्यों नहीं हूं, फला आदमी क्यों है। तो यहाँ जाति, यूपी में तो वैसे भी बहुत है, जाति, बिरादरी, भाषा,
रंग रूप सारी चीजों के ऊपर इतना डिस्क्रिमिनेशन है और राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो सोने में सुहागा वाली बात है। अब ये जो छापेमारी पुलिस कर रही है, जैसे अभी आपने देखा फरीदाबाद के अंदर उसकी मौसी के घर पर वो आया हुआ था, एक होटल में उसने रूम लेने की कोशिश की पर वो रूम लेने में नाकामयाब हो गया क्योंकि उसकी आईडी मैच नहीं कर रही थी और वो वहां से खिसक गया। उसके साथ एक आदमी और था, उसका साथी रहा होगा। और अब आपने देखा कि पुलिस ने कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया है कि फरीदाबाद की पुलिस भी अलर्ट है। दिल्ली में तमाम कल पूरे दिन पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट पर दिल्ली पुलिस की टीमें लगी रहीं, चेक करती रहीं कि छिपकर वो कोर्ट में सरेंडर के लिए ना आ जाए और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी रुकावट हिंच पैदा हो जाए। तो अब आप देखिए कि जब इसको अभी दुबे उसका जो एक साथी था उसको हमीरपुर में पुलिस ने रात को एनकाउंटर में मार गिराया, उसके तमाम रिश्तेदारों को पुलिस अरेस्ट कर रही है। और ये देखिए बहुत अच्छी चीज है, एक सेक्शन होती है हार्बरिंग, किसी को छिपाना, शरण देना, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जो फरीदाबाद पुलिस ने रात को बताते हैं, शूटआउट भी हुआ है वहां पर जो पकड़े गए उसके साथी, तो एक मैसेज जाएगा कि जो भी विकास दुबे को उसके साथियों को छिपाएगा या उनसे कॉन्टेक्ट में रहेगा, चाहे वो राजनेता है चाहे पुलिस वाला है, उसका अरेस्ट होना, उसका जेल जाना षड्यंत्र के अंदर शामिल माना जाएगा। तो विकास दुबे का अंत आ चुका है क्योंकि इस फरीदाबाद के इंसिडेंट के बाद और राज जो दुबे उसका साथी मारा गया है उसके बाद अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि विकास दुबे को संरक्षण दे सके, चाहे कितने बड़ा नेता हो, कितनी बड़ी पार्टी हो। आपने देखा होगा चार पांच दिन से तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उससे अपने पीछा छुड़ा रही है, ये कह रही है हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, यही मतलब है कि वो कहते ना अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो कभी ना कभी कानून के दायरे में आता ही है और कानून का शिकंजा ना सिर्फ कसता है बल्कि सजा भी मिलती है, ये दिखाता है। और वो दिन दूर नहीं जब विकास दुबे भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।